हेलो फ्रेंड्स, आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक माइक्रोस्कोप की अनबॉक्सिंग, जिसे मैंने अमेज़ॉन से 6,000 रुपीज़ में ख़रीदा है। ये जो माइक्रोस्कोप है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया माइक्रोस्कोप है। इसे मैं पूरी तरह से अनबॉक्स करके सारे कंटेंट्स बताऊंगा आपको। ये जो माइक्रोस्कोप है ये ईसॉ कंपनी की तरफ से आया हुआ है, जिसे मैंने यूज़ करके भी देखा है और ये काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी में हमें मिलता है। सबसे पहले हम इसके आउटर बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा ईसॉ की तरफ से यहाँ पर मेडिकल माइक्रोस्कोप लिखा हुआ आ रहा है। ये जो माइक्रोस्कोप है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें हमारे एक से ज़्यादा लेंसेस होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके जो लेंसेस वो तीन आपको नज़र आ रहे हैं, तो तीन लेंसेज इसमें यूज़ होते हैं, इसलिए इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। चलिए इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते ही यहाँ पर हमें एक वुडन बॉक्स मिलता है, देख सकते हैं आप। तो इस बॉक्स में जो है वो 50 प्रिपेयर्ड स्लाइड्स ऑलरेडी हमें दिए गए हैं। दोस्तों समझ सकते हो, 50 प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। इन सभी स्लाइड्स को हम एक एक करके लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर हमें माइक्रोस्कोप गाइड भी दिया गया है, ताकि हम स्टेप्स को फॉलो करके माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकें। इस लास्ट बॉक्स को ओपन करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर ओपन करते ही सारी चीज़ें वेल यहाँ पर पैक करके भेजी हुई हैं। बिल्कुल भी कोई भी डैमेज यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मेन हमारा माइक्रोस्कोप जो है वो बिल्कुल रैप किया हुआ है, और बहुत सारे कंटेंट देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दिए गए हैं। तो माइक्रोस्कोप को हम सबसे पहले यहाँ पर निकाल के साइड में रख लेते हैं। अब बाकी की चीज़ें यहाँ पर बॉक्स में आप देख सकते हो। माइक्रोस्कोप के इस रैप को भी हम यहाँ पर हटा लेते हैं बॉक्स में। और यहाँ पर देखिए, ये इल्यूमिनेटर है जिसमें लाइट होती है। हमारे पास अगर यहाँ पर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो हम इस इल्यूमिनेटर का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमें ब्लैंक स्लाइड्स भी दी गई हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर अपने स्लाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ग्लास के स्लाइड्स होते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये आईपीस है जूम के लिए, हम इसे आईपीस कहते हैं। तो ये एक आईपीस यहाँ पर दिया गया है, दूसरा आईपीस यहाँ पर दिया गया है। तो ये दोनों जो है 10x और 25x के आईपीस हमें यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑयल भी दी गई है, ताकि हमारे किसी भी मेटेलिक पार्ट में यहाँ पर हम ऑयल का यूज़ करके उसे फ्री कर पाए। और यहाँ पर एक प्रिपेयर्ड स्लाइड भी हमें यहाँ पर दिया गया है। तो कंपनी यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्लाइड देती है, ताकि हम माइक्रोस्कोप को यहाँ पर चेक कर पाए कि यहाँ पर सारे लेंसेज वगैरह ठीक है या नहीं। तो इसलिए हमें एक प्रिपेयर्ड स्लाइड यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा मिलता है, जिसमें ग्लासेज हैं। इसे हम माइक्रोस्कोपिक कवर ग्लास बोलते हैं, जिसका यूज़ हम स्लाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। तो इसका यूज़ होगा बाद में, हम देखेंगे इसका कैसे यूज़ करना है। फिलहाल मैं इसे बंद करके साइड में रख लेता हूँ। अब आते हैं हमारे मेन माइक्रोस्कोप की तरफ। देख सकते हो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये जो है काफ़ी अच्छे पेंट और फिनिश के साथ हमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये ईसॉ कंपनी की तरफ से अमेज़ॉन में अवेलेबल है। अभी इसे रहने देते हैं और हम देखते हैं हमारे इस प्रिपेयर्ड स्लाइड के बॉक्स को। इस बॉक्स में 50 प्रिपेयर्ड स्लाइड्स हमें कंपनी की तरफ से मिलते हैं, ताकि हम इसे देख पाएं। देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छे वुडन बॉक्स में आता है, और इसके अंदर देख सकते हो कि कितने अच्छे से सारे प्रिपेयर्ड स्लाइड्स रखे हुए हैं। हम इन्हें एक एक करके देखने वाले हैं। कुछ स्लाइड्स को मैं इस वीडियो में एंड में दिखाने वाला हूँ आपको, तो तैयार हो जाइए। इसे हम साइड में रखते हैं और हमारे ये जो माइक्रोस्कोप है इसको प्रिपेयर करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये जो हमारा माइक्रोस्कोप है इसकी बिल्ड क्वालिटी किस तरह की है। देख सकते हो काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है इसकी। तो चलिए अब हम इस माइक्रोस्कोप को प्रिपेयर करते हैं। इसमें टॉप में एक कैप लगी होती है, उसे आपको निकाल लेना है और उस होल पे यहाँ पर आईपीस को यहाँ पर फिट कर लेना है। हमारे पास यहाँ पर दो आईपीसेस थे, तो मैंने यहाँ पर 10x का आईपीस यहाँ पर ले लिया है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 10x लिखा हुआ होगा, इसको फोकस कर देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर 10x वाइड फील्ड का यहाँ पर आईपीस हमें दिया गया है। इसको हम ऊपर की तरफ यहाँ पर फिट कर लेते हैं। ये हमारा फिट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नीचे की तरफ यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है,
जिससे हम यहाँ पर लाइट को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट हमें इंडोर के लिए यहाँ पर इल्यूमिनेटर का यूज़ करना होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लाइट सोर्स अभी अवेलेबल नहीं है और ज़्यादातर हम लोग इल्यूमिनेटर का ही यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि हम इसके नॉब को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है। देख सकते हो लाइट यहाँ पर कम ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर एक नॉब दिया गया है, तो इसे आपको जस्ट इस तरह से फिट कर लेना है अपने माइक्रोस्कोप में, बस यहाँ पर प्रेस कर देना है, ये फिट हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए, हमें जो रेडीमेड प्रिपेयर्ड स्लाइड यहाँ पर दिया गया था माइक्रोस्कोप के साथ, उसे हम यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो पिंक कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है, ये हमारा स्पेसिमन है, मींस उसी पर हमें फोकस करना है। यहाँ पर इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं एक क्लीन क्लॉथ लेकर, तो इसे सबसे पहले आपको क्लीन कर लेना है अच्छे से और उसके बाद हम इसे अपने माइक्रोस्कोप में यहाँ पर फिट कर सकते हैं। फिट करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पर ये जो स्लाइडर है उसको स्लाइड कर देना है और अपने जो ग्लास है इसको स्लाइड को यहाँ पर रख देना है, बस ये इस तरह से फिट हो जाएगा। बस स्पेसिमन जो आपका है उसका फोकस हमारे लेंस पे एक्यूरेटली आना चाहिए। अब आप इसमें देखिए कोर्स एडजस्टमेंट यहाँ पर स्क्रू दिया गया है, इससे आप अपने फोकस को एडजस्ट कर सकते हो। दो नॉब यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो छोटा नॉब है ये फाइन एडजस्टमेंट का है और जो यहाँ पर नीचे जो नॉब दिया गया है इससे आप अपने स्लाइड को यहाँ पर मूव कर सकते हो। तो स्लाइड के मूवमेंट के लिए भी यहाँ पर नॉब हमारी दी गई है। तो ये हमारा माइक्रोस्कोप रेडी है हमारे किसी भी स्लाइड को देखने के लिए। तो चलिए हम कुछ यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्लाइड्स को देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है जो कि हमें माइक्रोस्कोप के साथ मिली हुई थी। देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें क्लियर नज़र आ रहा है जो कुछ भी है। अब सेकंड स्लाइड देखते हैं, देखिए ये काफ़ी डेंजर नज़र आ रहा है मुझे तो। देखिए कितना बेहतरीन क्लियरिटी है इसमें, काफ़ी अच्छा माइक्रोस्कोप है जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर व्यू नज़र आता है, देख सकते हैं। ये हमारी थर्ड स्लाइड है, इसमें देखिए ये तो किसी का पैर नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये मुझे कुछ मक्खी टाइप की नज़र आ रही है। ये रेड पोर्शन देख सकते हो कितना भयानक नज़र आ रहा है, आप में स्किल होनी चाहिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करने की। देख सकते हैं ये भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। और देखिए ये लास्ट स्लाइड हम देख रहे हैं, ये भी काफ़ी क्लियर हमें नज़र आ रही है। तो हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स देख लिए हैं, अगले वीडियोस में हम और भी ज़्यादा स्लाइड्स देखेंगे और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे हमारे माइक्रोस्कोप के साथ। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिले। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है हमारी, तो आप एक भी वीडियो मिस ना करें यहाँ पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।